आगे मकारी में शिराजी अफ़ज़ुल्लाह के पास एक शख्स आया, नौजवान, नीमे शाबान 15 माह रमज़ानुल मुबारक, आकर कहता आका मैं अपने वक्त के इमाम से मिलना चाहता हूँ। तो आगे मकारी में शिराजी अफ़ज़ुल्लाह ने फौरन बर्जस्ता कहा, कब मिलना चाहते हो? जैसा सवाल ऐसा, कब मिलना चाहते हो? क्या इतना आसान है? का एक अमल करना होगा, तुम्हारे से इमाम मुलाकात करेंगे, तुम जरूर मिलो। का क्या अमल है? का जब जाना तो रात में जब ग़िज़ा नोश फरमाना तो ग़िज़ा में नमक ज़्यादा डालना और पानी ना पीना, खाना नमक ज़्यादा रहे लेकिन पानी ना पीना। का ठीक है, इतना आसान अमल? बोले हाँ। इमाम से मुलाकात होगी? कहा हाँ। ये जल्दी जल्दी वापस आया, नमक अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा किया और तनावुल किया, तो नमक की वजह से, नमकीनियत की वजह से हलक में तशनगी का आलम बढ़ गया। अब और पानी चाहिए लेकिन पानी पीना मना था। कोशिश किया पानी मिल जाए, पानी पीना मना था। इसी तड़प के आलम में सो गया। ख्वाब में क्या देखा? आसमान से बारिश हो रही है, ज़मीन से पानी उबल रहा है। ये नींद से बेदार हुआ, दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, दोनों तरफ देखा। उसके बाद कहता कोई ईमान से तो मुलाकात नहीं हुई, चलो सुबह फिर जाते हैं। फौरन रोज़े शाम नीमे शाबान पहुंचा, नमाज फजर पढ़ा कर आगे मकारिम पलट रहे थे, रास्ते में मिल के कहता आगा मैं वही नौजवान जो रात में आपसे पूछ कर गया था, सवाल किया था कि आपने कहा था इमाम से मुलाकात होगी, कहा तुमने ग़िज़ा खाई? कहा हाँ हाँ, ग़िज़ा में नमक भी ज़्यादा था, मैंने नमक भी खाया, ज़्यादा खा लिया और नमकीनियत की वजह से तशनगी में शिद्दत पैदा हुई लेकिन मैंने पानी ना पिया। कहा उसके बाद? कहा मैं सो गया। कहा फिर? कहा मैंने ख्वाब में देखा आसमान से बारिश हो रही है, ज़मीन से पानी उबल रहा है लेकिन कहीं कोई इमाम नज़र नहीं आए। तो आगे मकारिम मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। तो फौरन जवान कहता है आका थोड़ा वजाहत करें, आपने मेरे सवाल का जवाब ना दिया। तो आगे मकारिम शिराजी कहते नौजवान सुन, याद रखना अगर तुझे पानी की तड़प थी तो पानी पी ना सका, जब सो गया तो शिद्दत तशनगी में पानी आसमान से भी देखा, ज़मीन से भी देखा, तो पता चला जब किसी की बारे में तड़प और शिद्दत होती है ज़ाहिरन ना भी मिले तो इंसान ख्वाब में देखना शुरू कर देता है। अगर वाकई तौर से तू अपने इमाम से मिलना चाहता है तो याद रख अपने इमाम को तमन्ना से ना पुकार, तड़प कर पुकार। तुझे पुकारने की अभी आदत खत्म भी ना होगी, तेरा इमाम तेरे पास रहेगा।